नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में जुड़ने के लिए आज। और आज हम बताएंगे आप लोगों को जेसन होल्डर की एक शानदार वापसी। आईपीएल 2020 में पहला ही मुकाबला, आईपीएल 2020 में इनको मौका मिला और आज के मुकाबले में क्या लाजवाब गेंदबाजी करी है इन्होंने। सबसे पहला मौका जो आया इनका वो आया था आपको तीसरे ओवर की तीसरी गेंद थी, जहाँ पर गेंदबाजी कर रहे थे स्टोक्स को। स्टोक्स के बल्ले का बाहरी किनार लगा और गेंद जो है वहीं पर रुक गई, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। और जल्दी से भागे बेन स्टो जेसन होल्डर उस गेंद को पकड़ने के लिए, और रॉबिन उथप्पा जो थे बीच क्रीज पे खड़े हो गए और देख सकते हैं कितने दूर रह गए, और उन्होंने सबसे पहले ये विकेट ये ली रन आउट के रूप में। दूसरी गेंद उसके बाद इन्होंने गेंदबाजी करी संजू सैमसन को, जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उस समय तक लग रहा था कि यहाँ पर के राजस्थान रॉयल्स की टीम जो कम से कम 200 रन के करीब स्कोर बना पाएगी, लेकिन उसी समय यहाँ पर गेंदबाजी करी अगर हम बात करें तो जेसन होल्डर ने यहाँ पर संजू सैमसन को, और गेंद इतनी अच्छी थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ स्क्रीन के ऊपर तो आइए मैं फटाफट दिखाता हूँ आप लोगों को। इतनी अच्छी थी कि संजू सैमसन ने उस गेंद को मिस कर गए, देख सकते हैं ये जो ये वाली गेंद जो थी मिस कर गए वो, और ये थी गेंद थी आपको 11 ओवर 4 फोर्थ बॉल। तो ये आपको दूसरी विकेट इन्होंने निकाली और ये पहली विकेट थी इनके खाते में गई। उसके बाद हम बात करते हैं इन्होंने जो विकेट लिया वो लिया इन्होंने, अगर हम बात करें तो होल्डर ने स्मिथ को आउट किया। जी हाँ दोस्तों, होल्डर ने जो है स्मिथ को चलता किया, जिनका कैच जो है मनीष पांडे ने पकड़ा और ज़बरदस्त आज के मैच में गेंदबाजी करी और बाहरी किनार लगा था, और मनीष पांडे ने कोई गलती नहीं करी, पॉइंट पे इनका कैच सॉरी लॉन्ग ऑन के ऊपर जो इनका कैच आसानी के साथ पकड़ लिया। और इसके बाद हम बात करते हैं एक और विकेट निकाला इन्होंने, वो जो कि दो गेंदों पर दो लगातार विकेट निकाली थी, 18 ओवर की पहली गेंद और 18 ओवर की दूसरी गेंद। और दूसरी गेंद पर रियान पराग को चलता किया था, वार्नर ने उनका कैच पकड़ा था आसानी के साथ, और ये जो है तीन विकेट आज के मैच में ली। आप भी हमें कमेंट करके बताइए गाइस, आपको आज के मैच में इनके गेंदबाजी और फील्डिंग कैसी लगी, और पहला ही मैच में यहाँ पे सनराइज हैदराबाद की टीम को इनकी गेंदबाजी की वजह से मैं कहूँगा टीम जो है जीत गई है। मनीष पांडे की बल्लेबाजी से भी जीती है, लेकिन इनकी गेंदबाजी जो थी वो ज़्यादा अहम थी, क्योंकि एक समय को 86 रन बन चुके थे, केवल एक विकेट गया था 11 ओवर में। उस समय लग रहा था आसानी के साथ टीम जो है 200 के करीब 170-180 करीब बना लेगी, लेकिन इनकी गेंदबाजी की वजह से यहाँ पर टीम जो है केवल 154 रन बना पाई, और सनराइज़ हैदराबाद की टीम ने यह मैच 8 विकेट से जीत लिया। अब मनीष पांडे की बेहतरीन पारी नॉट आउट और उनके साथ विजय शंकर की पारी की वजह से। चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बाय बाय।